ये है फैट बॉय कस्टम का हैंडल बार, ये हमारा स्टॉक हैंडल बार है। तो ये देख लीजिए कितना डिफरेंस है। तो गाइस अभी हम हैं फैट बॉय कस्टम्स में और हम अपनी बाइक को मॉडिफाई कराने आए हैं यहाँ पे। ये है कटारिया चौक पे गुड़गावा में। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और अभी मैं हूँ गुड़गावा में फैट बॉय कस्टम्स और कुणाल भाई इसके ओनर है। और आज हम आए हैं अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन कराने और मैं अपना जो हैंडल बार है उसको चेंज कराने आया हूँ। और फैट बॉय कस्टम्स का हैंडल बार काफ़ी फेमस है डोमिनार के लिए। इससे जो हमारी राइडिंग पोजीशन है अपराइड हो जाती है। तो काफ़ी समय से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी लॉन्ग राइड में, थोड़ा मेरे को ये शोल्डर में पेन हो जाता था या कंधे के पीछे ड्यू टू स्ट्रेस पड़ता था। हम थोड़ा सा आगे झुक के बाइक चलाते हैं जिससे काफ़ी मेरे शोल्डर पे स्ट्रेस पड़ता था, उसकी वजह से यहाँ पे पेन होता था। तो आज मॉडिफिकेशन कराने आए हैं फैट बॉय कस्टम गुड़गावा में कटारिया चौक के पास है। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूँगा और अभी चलते हैं। अपनी बाइक नीचे खड़ी है, वहाँ पे जाके अपना मॉडिफिकेशन करवाते हैं और देखते हैं क्या क्या चेंज होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा झोल है। अगर हम हैंडल बार थोड़ा अपराइट कराएंगे तो उसमें जितने भी वायर्स हैं वो टाइट हो जाएंगे। उसको कैसे मैनेज करना है वो सबसे बड़ा मेन फंक्शन है उसका, और उसी को मैनेज करना है वायरिंग को। अब कौन सी वायर चेंज होती है कौन सी नहीं वो देख लेते हैं, चलते हैं नीचे। ये हम अपनी बाइक का हैंडल उतार दिया स्टॉक। क्या नाम है भाई आपका? राम। राम राम भाई हमारी भी बाइक का काम कर रहे हैं और अभी इसमें हम नया फैट बॉय का हैंडल बार लगाएंगे। तो ये था मेरा स्टॉक हैंडल बार जो अभी हमने उतार दिया है। दूसरा दिखा देता हूँ जो हम अब कस्टमाइज करने वाले हैं, मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। ये है फैट बॉय का हैंडल बार। ये है फैट बॉय कस्टम का हैंडल बार, ये हमारा स्टॉक हैंडल बार है। तो ये देख लीजिए कितना डिफरेंस है। और इससे मेरी जो पोस्चर है वो स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब झुकना नहीं पड़ेगा। अभी काफ़ी झुक के हमें राइड करना पड़ता है, तो ये देखिए इसमें कितना डिफरेंस है। ये और काफ़ी हैवी है, ये अपना जो इससे थोड़ा हैवी है हमारा जो स्टॉक से, काफ़ी अच्छा हैंडल बार है ये। अभी तक जो काम हो चुका है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। और ऑलमोस्ट मेरा हैंडल बार फिट हो चुका है, ये हमारा हैंडल बार फिट हो चुका है। राम भाई क्या क्या काम किया हमने इसमें? अभी सर हैंडल लगाया है और रेस वायर पुरानी है, जिस जगह से थी उस अलग तरीके से निकाला हूँ। ये बाहर से निकाल दी ना, ये लाइट के साइड से निकाल के बाहर निकाल दी। और ये डिस्क ब्रेक की है जी। हाँ डिस्क ब्रेक की भी उसी जगह से निकाली हुई है। हाँ क्लच वायर नहीं डाल दिया है। क्लच वायर कौन सी डाली है? ये इलेक्ट्रा की डाली है जी। इलेक्ट्रा की क्लच वायर डाली है, ठीक है। और ये वायरिंग भी लूज करी है आपने? वायरिंग भी लूज करी है, दोनों खींच रही थी। हाँ तो ये यहाँ से लूज होती है अंदर से? हाँ जी, यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा में रहती है तो उसको निकाल कर मैं पीछे थोड़ा खींच दिया है। हाँ हाँ बड़ी हो गई जगह हो गई। तो इस तरह हमारी ये पूरी फिटिंग हो चुकी है। ये सभी मतलब कि ब्रेक एक्सेलेटर और ये सब मिरर वगैरह सब फिट हो चुके हैं। अब हेडलाइट इसमें लगाते हैं और ऑलमोस्ट हमारी बाइक तैयार हो गई है। तो अब चला के देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। तो गाइस हमारी बाइक होगी है रेडी। तो ये देखिए हमारी बाइक है और ये हमारा हैंडल बार लग चुका है, इसमें मॉडिफाई हो चुका है और इसकी हाइट बढ़ चुकी है।
पहला जो हैंडल बार था पुराना वो यहाँ तक आता था नीचे तक, और अब ये मतलब कि 3-4 इंच कम से कम बढ़ गया है। तो अब लेते हैं, अभी घर तक जाएंगे तो पता चल जाएगा कितना डिफरेंस है। तो मैं कुणाल भाई से मिलवाना चाहता हूँ, यहाँ के फैट फैट बॉय के ओनर हैं और बहुत ही शानदार मॉडिफिकेशन करते हैं बाइकों की। थैंक यू सो मच। तो कुणाल भाई थोड़ा बताएं अपने बारे में। आप मोस्टली सब लोग जानते हैं गैराज है हमारा फॉर द लास्ट 6 ईयर्स ये कटारिया चौक के पास है। हाँ, या तो कटारिया के चौक के पास सुखराली इनक्लेव के बीच में लगता है। प्रोमिनेंटली अवेलेबल है गूगल मैप्स पे। वी डिज़ाइन एंड कस्टम बिल्ड अ लॉट ऑफ पार्ट्स फॉर ऑल द मोटरसाइकिल्स। देयर इज नो स्पेसिफिक कि हम कोई पर्टिकुलर मोटरसाइकिल के साथ काम करते हैं। बहुत ही बढ़िया काम होता है, तसल्ली बख्श काम होता है भाई। जो गलत है तो गलत बोलते हैं, ठीक है तो ठीक है। सर देखो एडवाइस पैसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। एडवाइस जेन्युइन, वही काम वही आप लोगों को अच्छी लगती है और वही हमें बताना पसंद है। ज़बरदस्ती कोई चीज़ अगर आपको समझाऊंगा तो आपको भी पता है, आपको भी उस चीज़ की नॉलेज है मैं सही कह रहा हूँ या गलत। बिल्कुल बिल्कुल। सो ओवर द पास्ट ईयर्स ये हम चीज़ हमें अच्छे से शुरू से मालूम है। हम अपनी जेन्युइन एडवाइस देते हैं, बाकी क्लाइंट के ऊपर है आपको कैसा काम कराना है कैसा नहीं, वो सब उसके ऊपर है। बाकी काम हमारे पास सारे ऑप्शन हो जाते हैं। एवरीबडी इज़ मोर देन वेलकम टू विजिट हियर, नॉट अ प्रॉब्लम। तो भाई का, कुणाल भाई का पूरा नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको आना हो यहाँ पे मॉडिफाई करानी हो बाइक तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कुणाल भाई से। इनको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, नहीं तो वैसे नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा टाइम हमारे को पहले दे दीजिए, क्योंकि फिर मैं ये भी नहीं चाहता कि बहुत रश हो जाए और मैं पर्सनली किसी को टाइम ना दे पाऊँ, तो आई थिंक वो नहीं चाहिए। तो थोड़ा अगर पहले कॉल करके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब घर तक जाएंगे, 25 किलोमीटर की राइड है और इसमें मेरे को पूरा पता चल जाएगा कि कितना मतलब कि मॉडिफाई हुआ और कितना कंफर्ट लेवल बढ़ा है। तो मैं बात करता रहूँगा, अभी चलते समय बात करेंगे। तो ये हमारे राम भाई हैं जिन्होंने हाय कर दो, इन्होंने बाइक को मॉडिफाई किया है। थैंक यू राम भाई। तो चलते हैं। तो गाइस अभी मैं फैट बॉय कस्टम से निकल चुका हूँ और ये है दिल्ली जयपुर हाईवे, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। और ये मैं नया हैंडल बार जो मैंने लगाया है उस पर मैं राइड कर रहा हूँ, और मैं बता दूँ ये इसमें काफ़ी मुझे डिफरेंस लग रहा है यार। जो पहले मेरा पोस्चर था वो काफ़ी आगे था और अब काफ़ी मतलब कि अपराइड हो गया है। तो अभी तक तो मुझे देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मेजे जो कॉस्टिंग आई है वो 2300 रुपये आई है, जो 1700 इसमें हैंडल बार का रेट था, और इसके अलावा ये वेट के पैसे, कुछ बोल्ट, कुछ लेबर, तो सारा मिला के अपना कुणाल भाई ने 2300 रुपये मेरे से चार्ज किए हैं। तो मुझे तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन हुई है वहाँ जाके। तो आप भी जा सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनका मोबाइल नंबर जो भी है आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो ये मेरी मॉडिफिकेशन है आज की, हैंडल बार जो मैंने चेंज किया है बहुत ही शानदार है यार। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, ये मॉडिफिकेशन मेरी कैसी लगी, एक कमेंट ज़रूर करना है। आपको कुछ भी पूछना हो इसके बारे में आप मेरे को अपना इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जाट ऑन व्हील नॉट व्हील्स, जाट ऑन व्हील्स मेरा इंस्टा आईडी है, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, यहाँ से मेरा जो डिस्टेंस है 31 किलोमीटर है यार, और ये है दिल्ली जयपुर हाईवे। और अभी तक मुझे बाइक का जो पोस्चर लग रहा है बहुत ही शानदार लग रहा है। और इसमें बता दूँ मुझे केबल, सिर्फ एक ही केबल मुझे चेंज करनी पड़ी है, वो ये है अपनी क्लच वायर, जो कि है इलेक्ट्रा, जो रॉयल एनफील्ड की इलेक्ट्रा की क्लच वायर है उसको चेंज करना पड़ा है। बाकी मेरे ब्रेक लाइन सेम है, मेरे एक्सीलेटर सेम है, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है, जो ये मेरे वायरिंग है उसको भी थोड़ा मॉडिफाई किया है इन्होंने, थोड़ा लूज़ कर दिया है, बाकी कुछ चेंज नहीं है। अगर मैं इसमें राइज़र लगाऊंगा तब मुझे अपनी ब्रेक लाइन को चेंज करना पड़ेगा। देखता हूं अगर मेरे को इसी में सर्टिफाई हुआ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैं इसमें अपना राइज़र लगा के थोड़ा और मैं इसको अपराइट पोजीशन कर दूंगा। अभी एक दो मैं राइड मारूंगा इसी पोजीशन में, देखते हैं। आपको जो भी होगा मैं आपको इसका जो भी रिव्यू होगा मैं आपको बता दूँगा, जेन्युइन रिव्यू बताऊँगा आपको। और ये देखिए मेरी अभी पोजीशन बहुत ही सही पोजीशन है यार, पहले यहाँ तक झुकना पड़ता था लेकिन अब थोड़ा
तीन चार इंच मेरे को लग रहा है, तीन इंच का कम से कम फ़र्क पड़ा है, काफ़ी अच्छा है यार। तो अब चलते हैं सीधा घर में। आप अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। और अगर ये पसंद आया है, नहीं पसंद आया है, आप लाइक और डिसलाइक मेरी वीडियो को कर सकते हैं। तो अंत में दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायनारा।